ओबीसी दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, बारात पर भीड़ ने किया पथराव, कहा ओबीसी दूल्हा नहीं चढ़ सकता घोड़ी। हम चांद पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं, नए भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा समाज जाति पात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रूढ़िवादी सोच की गुलामी कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो एक भारतीय को घोड़ी चढ़ने से ना रोका जाता, किसी को पुलिस थानों में यह गुहार ना लगानी पड़ती कि घोड़ी चढ़ने पर बवाल हो सकता है। ताजा मामला गुजरात के बनासकांठा से सामने आया है, जहां दिशा क्षेत्र के कुंपत गांव में ओबीसी समुदाय की एक बारात में पुलिस सुरक्षा के बावजूद 150 से 200 लोगों ने पथराव कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूल्हा ओबीसी होकर घोड़ी चढ़ रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से लिखा है, दिशा क्षेत्र के कुंपत गांव में बीते शुक्रवार को शाम के करीब 4:30 बजे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच विष्णु सिंह चौहान की बारात निकाली जा रही थी, तभी 150 से 200 लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वाहनों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। एक घायल इंस्पेक्टर PI MJ चौधरी ने बताया कि भीड़ के बीच से कालू सिंह नाम का आरोपी बांस की छड़ी लेकर पास आया और कहा कि हम ओबीसी दूल्हे को घोड़ी चढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यह परंपरा के खिलाफ है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई, 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामले में 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक ओबीसी परिवार ने कहा, घोड़ी सवारी करने पर क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने पहले धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, सुरक्षा भी दी गई, लेकिन दबंग फिर भी नहीं माने। सोचिए, शादी समारोह में जंग जैसे हालात पैदा कर दिए गए, महज इसलिए कि हम बड़ी जाति वाले हैं और तुम छोटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर हमारा समाज जाति पात की जंजीरों से कब आजाद होगा, होगा भी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।